अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शकुन मैं बहुत दिनों से तुमसे क्या शकुन दादी तुम्हें बुला रही है, शायद उनका कुछ जरूरी काम है तुमसे। हाँ मैं भूल कैसे सकती हूँ, दादी को दवाई देनी थी। माही तुम मेरे साथ चलो, मुझे जरूरी काम है। क्या बताना चाहते थे शगुन को? कुछ नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम उसे हमारा सच बताने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बता दूंगा उसे, मैं सब कुछ बता दूंगा। बच्चों जैसी बात मत करो शुभ। बच्चों जैसी बात नहीं कर रहा हूं, वही बोल रहा हूं जो सही है। सही और गलत बस नजरिए का खेल होता है। तुम ये मत भूलो कि ऐसा करने के बाद दोनों के जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। अपनी बकवास मत करो, मुझे मेरी शकुन पे पूरा भरोसा है। अपने ये फितूर को दिल से निकाल के फेंक दो। कोई भी पत्नी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसका पति जिस लड़की के साथ रिश्ते में था, वो लड़की इतने दिन से उसके घर पे आके रह रही है। तुमने कभी सोचा है? ये जानने के बाद शगुन तुमसे पूछेगी कि इतने दिन उससे ये सच क्यों छुपाए, तो क्या जवाब दोगे उसे? बोलती क्यों बंद हो गई? मैं बताती हूँ वो क्या सोचेगी। वो सोचेगी कि इतने दिन से तुम मेरा फायदा तो नहीं उठा रहे थे, या फिर तुम मुझे अभी भी चाहते हो। बकवास मत करो, ये सच नहीं है। सच क्या है झूठ क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या सोचेगी उससे फर्क पड़ता है। ये इंसानी फितरत है शुभ। शेखर भी मेरे बारे में वही सोचेगा। मेरा रिश्ता टूटा तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मेरा होगा। इसलिए पुरानी बातों को दफना दो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। एक बार मेरा और शेखर का यहाँ पे काम हो जाए, फिर मैं खुद उसको लेके यहाँ से चली जाऊंगी। तुम तो बहुत अच्छा परफ्यूम लगाई हो, कौन सा है? रियली शनाल का है। काफी अच्छा फ्रेग्रेंस है। अरे हाँ, तुम तो अमेरिका गई थी ना? हाँ। क्या लेके आई हो वहाँ से? You know ना डार्लिंग, मैं चीप डाउन मार्केट कपड़े नहीं लेती। I'm into brands and all. वैसे ना, you should try Louis Vuitton. आजकल उनके ड्रेसेस बहुत प्रिटी आ रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ तुमने बताया। अब देखना, रवि के कानों में ये बात जरूर डालूंगी। और वैसे भी मेरा बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट तो बनता है। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। बेबी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा मिलता चलो तुमसे। एक्सक्यूज मी, क्या रख दूं? ये तुम्हारी दोस्त है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ। इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? बहुत दूर से आए उन्होंने। तुम शायद भूल रहे हो, हमारा तलाक हो रहा है। मुझे भी यही लगता था, पर तुम खुद याद दिलाया ना आज।
कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ। योकू, ठीक है, अगर तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी और नहीं बताना चाहती हो तो मैं खुद कर लूंगा। हाय, हेलो, हाय, मेरा नाम योग है, योग शिंदे, और ये मेरी बीवी है, नव्या युग शिंदे। मेरा हाथ छोड़ो। सीरियसली, ये नव्या का हस्बैंड है? लो स्टैंडर्ड्स। नव्या, तुम्हारी पसंद इतनी खराब कैसे हो सकती है? और तुम इस मिडिल क्लास से शादी कैसे कर सकती हो? इट्स सो एम्बैरसिंग। सीरियसली बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम्हारी याद आ रही थी जान। क्या हुआ? खुद की लगाई हुई आग की आंच सहन नहीं होती? ये मत भूलो किसकी शुरुआत तुमने की थी। तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कर्मा, सुना तो होगा तुमने, छल करोगी तो छल मिलेगा और धोखा करोगी तो धोखा मिलेगा। तुम अपनी औकात में रहो। औकात? मुझे मेरी औकात मत बताओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी। और हाँ, आइंदा मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी की तो इससे ही बुरा हशर करूंगा। बहुत काम काम करते हो ना तुम, अब देखते जाओ तुम्हारे काम की और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाती हूं मैं। ये पता नहीं सोना कहां गायब हो गई। शगुन, तुमने सोना को कहीं देखा है? हाँ, वो किसी काम से बाहर गए हैं। यहाँ पति बीमार है और एनआरआई मैडम घूमने गई है। क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम है? कहाँ गई थी तुम? शेखर के लिए खाना बनाकर रखा हुआ है, इंतजार कर रही हूँ, तुम आके लेके जाओगी और तुम गायब। तो क्या हुआ, किसी और से कह देती ना। मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करने गई थी। यहाँ पति बीमार है और तुम ये सब करने गई? तो क्या हुआ? वैसे तो बहुत प्यार उमड़ता है तुम दोनों में, अब क्या हुआ? मैं, खैर छोड़ो, किससे बात कर रही हूँ। तुम्हें तो उनका पैसा भाता है और ये सेवा विवा तुमसे ना हो पाएगा। आप कहना क्या चाहती है? इतनी सीधी भी मत बनो सोना। एक जवान लड़की जब एक उम्र दराज लड़की के साथ, सॉरी, आदमी के साथ शादी करती है तो पूरी दुनिया जानती है कि वो क्यों कर रही है ऐसे। और ये प्यार व्यार ना, ये सब ढोंग होता है। सीरियसली आप मुझे गोल्ड डिगर कह रही है? मैंने इसे कब कहा? बकवास बंद कीजिए अपनी। ये महंगे महंगे कपड़े, ये डिजाइनर चीजें, ये सब मैं इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे पति को अच्छा लगता है। वो चाहता है कि उनकी वाइफ अच्छी लगे। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझ पर ये आरोप लगाकर आपने ठीक नहीं किया। अभी के अभी आप सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे। बुआ, आपको इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, कि गलत है। शगुन, तुम इस सब से दूरी रहो तो अच्छा है। तुम जानती नहीं हो आजकल की औरतें क्या क्या करती हैं अपने फायदे के लिए। भगवान के लिए चुप हो जाइए, ये लोग अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, आप इनके बारे में ये सब क्यों बोल रही हैं? बेवजह किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है।
भाभी आप इतनी जज क्यों बन रही हैं? और मेरी मम्मा को सिखाने से पहले अपने भाई को जाकर सिखाइए। मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, जो सही है मैं उसका साथ दे रही हूँ। मैं जानती हूँ बुआ मुझसे ज्यादा जानती है। आपका और आपके भाई का बहुत मुंह चलने लगा है आजकल। अभ्या दिमाग खराब है? ये सही है ना भैया? भाभी जो कुछ भी करे सब कुछ सही, पर अगर हम करें तो तमाशा हो जाता। वैसे पता नहीं शायद आपको कि आज इनके भाई ने मेरे साथ क्या किया। ये जानते हुए कि हमारा केस अभी कोर्ट में है, सबके सामने बेइज्जत किया उसने मुझे, अपना हक जताया ताकि मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंस सके, मेरा तमाशा बनाया है उसने। पर आपको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आपको तो सिर्फ भाभी सही लगती है ना। नव्या युग ने तुम्हारे साथ ये सब किया? मैं अभी युग से बात करती हूँ। आपको बात करना है तो करिए वरना मत करिए, पर उसे एक बात जरूर कह दीजिएगा कि अगली बार उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शगुन इसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, जो बहुत समझदार लड़का है वो बेवजह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूं उसे, फिक्र मत करो। आ जाओ। चलिए कैंटीन में चल के खाना खा लेते हैं, लंच ब्रेक हो गया है। मुझे भूख नहीं, तुम जाके खाओ। तुम अभी तक यहीं बैठी हो, मैंने कहा ना तुम जाके खाओ, और वैसे भी लंच के बाद वर्कलोड बढ़ जाता है, तुम्हें पहले ही बताया मैंने। हमें भी भूख नहीं है, आपकी वजह से हमारी भी भूख मर गई। माही बच्चों जैसी बात मत करो, तुम जाके खाना खा लो। बच्चों से बातें हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो दिन भर मेहनत करके हम इसलिए कमाते हैं ना, ताकि अपना पेट भर सके। तो खाने से कैसी नाराजगी? हमारी नानी कहती है कि खाने का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में तो भगवान का वास होता है, तो भगवान को कोई भला कैसे नाराज कर सकता है। ठीक है मेरी माँ, चल के खाना खा लेते हैं, और वैसे भी तुम्हें कौन नाराज कर सकता है ना, और अगर तुम्हारी नानी ऊपर से आ गई तो और तकलीफ हो जाएगी। हम ये हुई ना बात, चलिए। शेखर। हाँ बुआ। बेटा बैठो 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 बैठो, तबीयत कैसी है अब? ठीक है बुआ, अब तो बहुत अच्छी है। क्या है कि शुभ के साथ में बिजनेस ट्रिप पे जाना है, इसलिए थोड़ी तैयारी करनी थी। शेखर हमारी बात सुनो, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता बेटा। देखो एक बार अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर जहाँ जाना है जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अरे बुआ आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें, मैं ठीक हूँ। ये सोना है ना, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, दिन रात देखती थी मुझे। वो क्या है कि काम भी तो करना है ना, अमेरिका से इतने दूर से यहाँ पर काम तो करने आए ना, वो तो कंप्लीट करना ही है। शुभ बेटा वो मैं रिटर्न टिकट बुक कर रहा हूँ, 4 दिन में हो जाएगा काम अपना। आप शुभ सर अभी जाना जरूरी है क्या? काम तो जरूरी है ना, क्यों
क्या हुआ? वो क्या ना, कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाली है। मेरी पहली करवा चौथ है और आपके बिना मैं पूजा वगैरह कैसे करूंगी? शगुन, तुम्हें ये बोलने की जरूरत भी नहीं, उस दिन तक हम कैसे भी करके वापस आ जाएंगे। बेबी, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, उसी बहाने आपका ख्याल भी रखूंगी और थोड़ा सा इंडिया भी घूमना होगा। नहीं चाचा जी, एक्चुअली मैं भी शगुन को साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन यहाँ त्योहार है तो आई थिंक इन्हें यहीं रहना चाहिए। यहाँ का त्योहार काफी अच्छा होता है, इन्हें देखना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। जी दादी, मुझे भी यही लगता है। आप प्लीज मत जाइए, आप यहीं पे रहिए, मिलके हम करवा चौथ दिवाली की तैयारी कर लेंगे। ठीक है शुभ, तो बाकी की तैयारियां कर लो। हाँ, मैंने रिसर्च कर लिया, मैं ऑफिस में बोल देता हूँ। कुछ भी कर लो शुभ, तुम मुझे अपने साथ जाने से रोक नहीं पाओगे। ये कुछ एक्स्ट्रा शर्ट्स रख रही हूँ, अगर यूज में तो पहन लेना। हाँ ठीक है ना, अब बैठ जाओ, पैकिंग बाद में हो जाएगी। हाँ पर ये भी जरूरी है, कुछ तो भूल रही हूँ मैं। टूथब्रश रख दिया, डेंटल किट रख दी, मेकअप के कपड़े रख दिए, पता नहीं मैं कुछ तो भूल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कुछ। अब तुम्हें बहुत जल्दी मुझे यहाँ से अपने से दूर भेजने की। अरे क्या कर रहे हैं, अगर कोई सामान रह गया तो बाद में आपको परेशानी होगी। हटिए, पैकिंग सारी बाकी है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बैठो, तुम्हें अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। वही तो कर रही हूँ, इसलिए मैं पैकिंग कर रही हूँ ना। देखिए मुझे जाने दीजिए। इतने से नहीं चलेगा, हमारे कुछ और भी फर्ज हैं जो तुम्हें निभाने पड़ेंगे। शुभ सर, दी मेरा हाथ छोड़िए, अगर कुछ छूट गया ना तो आपको परेशानी होगी, मुझे बाद में मत कहना। ये सब बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ, मैं तुमसे चार दिन दूर जाने वाला हूँ, मुझे याद तो करोगी ना? याद उनको किया जाता है जिन्हें भुलाया जा सके, और आप तो मेरी आदत है, आदत को कैसे भूल सकते हैं? क्यों, कोई खास वजह है? खास वजह मतलब? पति हैं आप मेरे। बस यही वजह है, पति हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा, कोई और वजह जरूर होगी, बोलो ना। आप मेरे लिए मेरी सासों से भी ज्यादा जरूरी हैं, और आपके बिना जीना उसका कोई मतलब नहीं है मेरे। और आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा, ये सब चीजें महसूस कराई। और कुछ नहीं, बस इतना ही। अरे इतने से काम नहीं चलेगा, आज तुम्हें बोलना पड़ेगा। अरे क्या बोलना पड़ेगा, जबरदस्ती है। देखिए मुझे जाने दीजिए, बाहर की लाइट्स ऑन है, मुझे बंद करने जाना है। मेरी पकड़ मेरे ख्याल रखने से ज्यादा मजबूत है। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, बोलो ना। ठीक है, मत बोलो, लेकिन अगर किसी और ने बोल दिया ना तो मुझ पे इल्जाम मत लगाना। ऐसे कैसे कोई और बोल देगी, आप मेरे हो। मैं तुम्हारा हूं ना, तो बोलो ना, बोलो। I love you. I love you more. अरे अरे क्या कर रहे हैं आप?
अरे अब छोड़िए मुझे। पैकिंग सुबह होगी। अरे शिव सर, एक काम करती हूँ, मेडिसिन्स रख देती हूँ। सुनिए, ये दवाई टाइम पे ले लेना, और ये शाम को और सुबह, ओके? सुना, कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि भगवान ने मुझे कितना खुशकिस्मत बनाया है कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। आपसे ज्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी लाइफ का हिस्सा है। फिर दुनिया हमारे रिश्तों पर कितने भी सवाल उठाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Try to ignore negative people. Just ignore them. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और ये बात तुम्हें सिर्फ मुझे साबित करनी है, किसी और को नहीं। अच्छा काम करो, मुझे रात की दवा देकर डोज पूरा कर दो, वरना कल मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले से याद था, इसीलिए मैंने आज रात की और कल सुबह की दवाइयाँ ऑलरेडी बाहर रख दी है। दवाइयाँ टाइम पे ले लेना, बाकी सब मैंने रख दिया है। तुम्हारे सुबह मेरा इतना कोई ख्याल रख ही नहीं सकता था। अफसोस है, आज मैं आपको वो दवा बिल्कुल नहीं दे सकती जो आपको कल जाने के लिए ठीक करे, क्योंकि शुभ के साथ सिर्फ मैं ही जाऊंगी और कोई नहीं।